ग्यारह के बाद डाली ना, हाँ ग्यारह के बाद 17 तक खाली एक डाल दी है पिक्चर, क्यों 24 और 25 क्यों? ओके क्या कोई खास दिन है क्या? हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 24th को आने वाली है अजीत कुमार की वाली माई, प्रोड्यूस बाय बोनी कपूर, और 25 तारीख को आने वाली है आलिया भट्ट संजय लीला बंसाली की पिक्चर गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो गया है और आपने उसको देखा, रिव्यू भी किया। विजय जी, बड़ा क्लैश है ये जो डेट सुन के मेरे को याद आती है सत्यमेव जयते और अंतिम अंतिम की, और ये जो क्लैश होगा वालीमय और गंगूबाई काठियावाड़ी का, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बोलता क्लैश क्यों कर दे, 11 तारीख है, 17 तारीख है, 25 मतलब जो है ना, और गए मैंने भी पूरा खाली था, ये भी खाली है ना, क्यों नहीं आते लोग? क्लैश करने से नुकसान तो होगा ही किसी ना किसी को। ओके, दोनों पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर हिट है। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन के बाद जितना भी है ना, साउथ के ऊपर जोर ज़्यादा है। ओके, पुष्पा अभी तक चल रही है, आज से 4 शो हो गया और सब साउथ के पीछे भाग रहे हैं अभी तक तो। ओके, तो ये आएगी 24 को और ये आएगी 25 को गंगूबाई, अब देखना है कौन सी चलेगी। वाली मई का ट्रेलर देखा था विजय जी आपने, कैसा लगा? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है। हम लोग हॉलीवुड को कंपेयर करते हैं ना, बॉलीवुड वाला नहीं, साउथ वाले कंपेयर कर सकते हैं। ओके, क्या मेकिंग है, और अजीत कुमार ने सुना है कुछ स्टंट किया है, जो बाइक स्टंट है ना, 6-7 बाइक ऊपर स्टंट किया, मतलब क्या लग रहा है, एक एक स्टंट सीन है, बहुत जबरदस्त। और कार्तिक के हीरो है ना वो, कार्तिक जो RX 100 में थे वो विलन है इस बार, विलन है। फीमेल कास्ट में हुमा कुरैशी भी है, राइट? यस, पिक्चर की मेकिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ओके विजय जी, लेकिन जब भी ट्रेलर का रिव्यू किया गंगूबाई का, आपने कहा कि बॉलीवुड का कमबैक हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी क्लैश हो रहा है उधर, गड़बड़ हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर। और अभी साउथ के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं। पैन इंडिया है दोनों पैन इंडिया, हिंदी में भी आने वाले, तेलुगु में भी आएंगे, तमिल में भी आएंगे, मार्केट छा जाएगी। ग्यारह के बाद डाले ना, ग्यारह के बाद 17 तक खाली एक डाल दी है पिक्चर, क्यों 24 और 25 क्यों? ओके, क्या कोई खास दिन है क्या? 17-18 जो खाली था वो टाइम पे डाल देना चाहिए था वाली में, और उसके बाद में फिर गंगूबाई, तो आराम से लोग ऑडियंस देख सकती है ना। देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, 24-25 को प्रेडिक्शन अगर मैं पूछता हूँ हमारे आम आदमी क्रिटिक को, कौन चल सकती है? आपने तो कहा कि साउथ का जरा पगड़ा भारी है, क्या है? फिर भी क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? अभी तक तो लोग बॉलीवुड बॉयकॉट कर रहे हैं, बरोबर, ठीक है, तो फिर साउथ वाले को जाने दो पहले। ओके, ये आप पहले आए, बाद में उसको आने दो। ओके, तो लोग आराम से देख सकेंगे ना। ओके, हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस कह रहे हैं कि एक जो खाली डेट है 17-18 फरवरी जहाँ पे फ्राइडे आता है वो, उसमें एक फिल्म डाल दीजिए और 25 को एक आ जाइए। जब फिल्म आप देखोगे तब पता चलेगा, कौन सी पिक्चर अच्छी है, या दोनों भी अच्छी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब तक आप फ्राइडे आता नहीं है, जब तक कोई पिक्चर देखता नहीं है, तब तक कुछ पता नहीं चलता। ओके, कौन सी पिक्चर सुपर हिट है, क्या बात है। सो दिस इज द ऑनेस्ट रिएक्शन, एक प्रेडिक्शन दिया है हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस ने। आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, कौन सी पिक्चर चलेगी और कौन सी पिक्चर पिटेगी, या तो दोनों चलेगी, क्या हो सकता है, आप हमें बताइए। थैंक यू।